तो दोस्तों टेबल हमें गिवन है, यहाँ पे सेगमेंट गिवन है 0 1 2 3 4, बेस एड्रेस भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करनी है और ये लॉजिकल एड्रेस हमें गिवन है। तो क्वेश्चन हमें, पांच क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 0 1 2 3 4 ये सारे सेगमेंट हैं, ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड में 230 10 400 390 ये जो भी गिवन है ये सारे लॉजिकल एड्रेस हैं। अब हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ये जो लॉजिकल एड्रेस 230 गिवन है इसको हम लेंथ से कंपेयर करेंगे 600, तो देखेंगे कि ये जो लॉजिकल एड्रेस लेंथ से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होगा तो इलीगल होगा। 230 इज़ लेस देन 600, विच इसका मतलब ये है कि 230 छोटा है, मतलब ये लीगल होगा, और लीगल होने के बाद हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये लॉजिकल एड्रेस मतलब 230 प्लस इस बेस एड्रेस को हम ऐड करेंगे 290 इक्वल्स टू ये हो गया 449, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम 10 को कंपेयर करेंगे लेंथ से, 10 छोटा 11 से, 10 इज़ लेस देन 11, मतलब ये भी लीगल है, और हम ऐड करेंगे 10 प्लस बेस 2500, तो ये हो गया 2510। अब हम वापस देखेंगे 400 को कंपेयर करेंगे 160 से, तो 400 बड़ा है 160 से, मतलब ये लीगल नहीं है, तो हम यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 400 इज़ नॉट ग्रेटर देन 160, विच मीन्स इट इज़ इलीगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 390 को हम कंपेयर करेंगे 970 से, तो 390 छोटा है 970 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 390 इज लेस देन 970, विच मीन्स इट इज़ अलीगल। तो हम कैलकुलेट करेंगे 390 लॉजिकल एड्रेस प्लस 1528, तो ये हो गया 1918। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 126, इसको हम कंपेयर करेंगे 68 से, तो 126 छोटा नहीं है 68 से, मतलब ये भी हमारा इलीगल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा यहाँ पे, ये तो सेगमेंट गिवन होंगे और ये लॉजिकल एड्रेस गिवन होंगे, हमें इस लॉजिकल एड्रेस को कंपेयर करनी है लेंथ से। अगर लॉजिकल एड्रेस हमारा छोटा हुआ लेंथ से तो हमारा प्रोसेस लीगल होगा और हम तभी फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा लॉजिकल एड्रेस लेंथ से बड़ा हुआ तो वो इलीगल होगा और फिजिकल एड्रेस हमारी नहीं निकल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।